नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की ताकत दिनों दिन बढ़ रही है, जिससे दुश्मनों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इस लिहाज से खुद को और मजबूत करने के लिए भारत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी हाल ही में INS खंडेरी को भारतीय नौसेना को सौंपा, तो वहीं अब दुश्मनों की उच्च तकनीक से निर्मित टैंकों को ध्वस्त करने के लिए भी मोदी सरकार ने कमर कस ली है, और उसके लिए अब भारतीय पैदल सेना इजरायली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स यानी कि ATGMs को ताकतवर हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाली है। इन मिसाइलों के एक बेड़े को भारत लाया गया है। सूत्रों के मुताबिक 210 स्पाइक मिसाइलों का पहला जत्था और दर्जन भर लॉन्चर करीब 10 दिन पहले ही भारत लाए गए हैं, जिनकी रेंज 4 किलोमीटर तक की होती है। माना जा रहा है कि अभी तक तो इन स्पाइक मिसाइलों का एक ही जत्था भारत मंगवाया गया है, लेकिन इन स्पाइक मिसाइलों के भारत में भी बनाने की तैयारी है, और अगर DRDO ने अगले साल तक इसमें सफलता हासिल कर ली तो फिर इजराइल से और मिसाइलें नहीं मंगवाई जाएंगी। हालांकि DRDO को भरोसा है कि वो 2020 तक अपने MP-ATGM मिसाइल को यूजर ट्रायल के लिए भेज सकता है। इसी साल मार्च महीने के आसपास DRDO ने ATGM मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। पुलवामा हमले के बाद 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना ने स्पाइक मिसाइलों को खरीदने के लिए मंजूरी दी थी। अब आपको बताते हैं क्यों खास है स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलें। सबसे पहले तो स्पाइक मिसाइल एक मानव पोर्टेबल मिसाइल है, जिसका मतलब है कि इसे लॉन्चर और मानव दोनों की मदद से दागा जा सकता है। फिर बारी आती है इसकी मारक क्षमता की, जो इसे और खास बना देती है। इस मिसाइल से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तक हमला किया जा सकता है, जिसका साफ मतलब ये हुआ कि मिसाइल को दागने वाला सैनिक भी सुरक्षित रह सकता है। ये मिसाइल रेगिस्तान और मैदानी इलाकों में बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के लिए ज्यादा कारगर है। तो देखा आपने कितनी खास है ये स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल। अगर DRDO ने इसे बनाने में सफलता हासिल कर ली तो फिर भारत को इजराइल से मिसाइलें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।